को खत्म भी कर दिया गया है। सो इट सीम्स लाइक कि टीम सोल थोड़ा सा बैकफुट पे है, रेगल्टोस अपने आप को हील कर चुके हैं। और कल जो करिश्मा रेगल्टोस ने किया था, 2 बार 1v3 हमने करके दिखाया था, क्या वो दोबारा कर पाएंगे? क्योंकि टीम को जरूरत है। रेगल्टोस यहां पे प्लेस को नॉक करेंगे, क्या ये काफी होगा? रेगल्टोस की एचपी थोड़ी सी कम जरूर नजर आई, बट नॉक करके फिनिश उनको मिलता हुआ। मॉर्टल रिवाइव कर दिए जाएंगे, इट्स गोइंग टू बी अ 3v2 सिचुएशन। वाइपर सामने स्पॉट हो जाते हैं, क्या यहां पे टेक डाउन किया जा सकता है शैडो को? ये एक सवाल है जिसका जवाब कुछ ही देर में हमको मिलेगा। बिल्कुल, रेगल्टोस तो स्पिरो हम बोल सकते हैं एक लक फैक्टर रहा, क्योंकि जस्ट जब हमने देखा था फाइट हुई थी, एक एचपी मेरे ख्याल से जस्ट वो एक एचपी सर्वाइव कर रहे थे, हील अप करा खुद को। मॉर्टल को वहां पर रिवाइवल मिल चुका है और सिचुएशन एज यू सेड स्पिरो 3v3 आई गेस या 3v4 में देखने वाले। एपीएल के पास भी बढ़िया मौका कि यहां पर स्लैमिंग दिया जाए। रेगल्टोस यहां पर फंसते हुए हल्का सा वो जो विंडो पार्ट एरिया है वहां से उनका नॉकआउट निकाला गया है। एक्वानॉक्स एपीपी करके यहां पर देख रहे हैं, वाइपर भी नॉकआउट होते हुए। मॉर्टल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन चीन